इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास है कोफैक्टर टेक्निक। कोफैक्टर में हम सबसे पहले माइनर को फाइंड आउट करते हैं। तो कोफैक्टर हमारे पास अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर ग्रेटर है 3x3 की बजाय 4x4 है, 5x5 है, 25x25 है, तो कोफैक्टर टेक्निक इजीली हम उसको जो है वो टैकल कर सकते हैं। और फिर लास्ट जो हम टेक्निक पढ़ेंगे एचलॉन फॉर्म में गॉस एल्गोरिथम में, वो सबसे आसान है कि उसमें जितना मर्जी हायर ऑर्डर के हमारे पास मैट्रिक्स हो, हम उसके में डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दी ऑपरेशन। सो कोफैक्टर जो है ये पावरफुल टेक्निक है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। सो कोफैक्टर में सी आई जे, आई स्टैंड फॉर रो एंड जे स्टैंड फॉर कॉलम इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है कोफैक्टर आई जे इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस j, 1 क्या है रो 1 के लिहाज से, आई में से आई प्लस जे इंटू माइनर एम आई जे है, इस कॉल्ड द कोफैक्टर ऑफ एंट्री ए आई जे या ए 1 जे जिसे कह सकते हैं, और दी आई जे कोफैक्टर ऑफ ए व्हेन द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज अटैच टू द माइनर देन माइनर बिकम्स अ कोफैक्टर। वही बात जो आ गई हमारे पास के जो माइनस वन जो मैंने अभी बताया था कि किस तरह बनता है, उसको जब हम माइनर के साथ अटैच करते हैं तो वही बेसिकली वो कोफैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे फाइंड द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, अब यहाँ पे हमने माइनर फाइंड आउट करना है। हम लास्ट में क्या कर रहे थे a11, टेक्निकली हमारे पास आंसर दोनों मेथड तीनों मेथड से सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा टैकल करना, थोड़ा सा लिखना, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अब यहाँ पे जब आप माइनर बनाएंगे तो इसके साथ आप माइनर को जो है वो साथ a11 नहीं लिखेंगे। माइनर बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल a11 था कि पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट कर दो, बाकी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, वही यहाँ पे अब माइनर कहला रहा है। सो इसी को जब हम देखें, ये मैं आपको हाईलाइट करके अगर बताऊं तो यहाँ पे अब जैसे मैंने पहले बताया, अब माइनर यहाँ पे क्या बनेगा, m11 का मतलब है पहली रो पहले कॉलम को एलिमिनेट कर दो, बाकी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। तो पहली रो पहले कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, बाकी का डिटर्मिनेंट ये हमारे पास 16 आ गया। अब यही कोफैक्टर कैसे बनेगा, तो C11 क्या होगा, C11 इज -1 1 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
वैल्यू आ जाएगी माइनस वन पावर टू स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव वन, तो ये पॉजिटिव 16, यही हमारे पास को फैक्टर वन वन आ जाएगा। अब जब माइनर हम 1, 2 फाइंड करेंगे तो उसका मतलब है पहली रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, बाकी का डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। और इसी तरह माइनर ऑफ M13 का मतलब है कि पहली रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, बाकी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो। सो इसी तरह फिर हम इसको को फैक्टर टेक्निक में लिख लेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अभी लिख के बताया C11 इज इक्वल टू माइनस वन पावर वन प्लस वन, M11 प्लस इज इक्वल टू M11 इज इक्वल टू 16। इसी तरह M12 जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा 26 माइनर, और C जो आ जाएगा C12 वो हमारे पास आना चाहिए, इसको मैं लिख देता हूँ इसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी यहाँ पे। अब ये पहली दो जो ये माइनर जो है ये माइनर फाइंड किया है 3-2। अब इस माइनर 3-2 के लिहाज से को फैक्टर भी 3-2 आता है। 3-2 का मतलब क्या है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अब किसी भी हम इसमें हम थ्री हम यहाँ पे 2-2 के लिए 2-3 के लिहाज से भी फाइंड कर सकते हैं, 2-1 के लिहाज से भी माइनर फाइंड कर सकते हैं। तो माइनर 3-2 का मतलब है थर्ड रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, बाकी का डिटरमिनेंट 3-2 माइनस 4 6 आ गया। अब को फैक्टर 3-2 का मतलब क्या, माइनस 1 पावर 3 प्लस 2, तो माइनस 1 पावर 5, तो इसका मतलब नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव M32 आ गया, तो ये माइनस 26 आ गया। तो ये एक टेक्निक थी माइनर को फाइंड करने के और साथ को फैक्टर को फाइंड करने की। तो इसको हम जब जनरलाइज लिखें डिटर्मिनेंट के लिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आएगा अल्टरनेट डेफिनेशन में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा A11 C11 को फैक्टर प्लस A12 को फैक्टर C12, इसी तरह A1n C1n, ये पहली अलॉन्ग पहली फर्स्ट रो के लिहाज से। जैसे अभी हमने 3-2 माइनर फाइंड आउट किया था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम लिखें तो M31 पहले फाइंड करेंगे कॉमा M32 फाइंड आउट करेंगे कॉमा और M33 फाइंड आउट करेंगे,
तो ये एक्सपेंड किसके लिहाज से हो रहा है, थर्ड रो के लिहाज से। तो यहाँ पे फिर एंट्री क्या आएगी, ए थ्री वन सी थ्री वन प्लस ए थ्री टू सी थ्री टू प्लस ए थ्री थ्री सी थ्री थ्री। सो दिस फॉर्मूला आर द कोफैक्टर एक्सपेंशन अक्रॉस द फर्स्ट रो ऑफ ए। ये जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट रो के लिहाज से एक्सपेंशन है कोफैक्टर टेक्निक की। सो इसी को जब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल में 3x3 की वही एग्जाम्पल हमारे पास है, कोफैक्टर फाइंड आउट करें माइनर को फाइंड आउट करते हुए। सो ये हमने सबसे पहले इसको फाइंड आउट किया, पहले रो के अलॉन्ग हमने इसे एक्सपेंड किया। सो वन डायरेक्ट हमने इसी तो जो भी फार्मूला पढ़ा था ए वन वन सी वन वन उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो वन एज इट इज आ गया, माइनस वन पावर वन प्लस वन, पहली रो पहले कॉलम को एलिमिनेट कर दो, ये हमारा माइनस पड़ा हुआ एम वन वन। ये क्या है जी एम वन वन, और ये कंप्लीट क्या है, तो सॉरी ये कंप्लीट क्या है।